लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सान्या जी, नई नजर डालते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट पर। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। माँ का ये रूप निराला होता है। नवदुर्गा में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। इस बार माँ के दूसरे स्वरूप की उपासना 30 सितंबर यानी आज की जाएगी। आज माँ के भक्त उनके दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं माँ की पूजा आराधना करने से क्या फल प्राप्त होते हैं और माता को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप है। माँ के स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। कठोर साधना और ब्रह्मा में लीन रहने के कारण माँ को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। छात्रों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो तो उनके लिए माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करना शुभ फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक विधि विधान से देवी के स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, माता उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। उन्हें नवरात्रि में दुर्गा पूजा के 9 रूपों की पूजा उपासना करने की शक्ति प्रदान होती है। सन्यासियों के लिए देवी की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ दुर्गा का ये रूप भक्तों और साधकों को अत्यंत कोटि फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है, अतः विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने दाएं हाथ में माला और अपने बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। इस दौरान माँ ने फल फूल खाकर बिताए और हजारों वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, जिसकी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज और आभामंडल विद्वान रहता है। माँ के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है और ये तपस्या की प्रतिमूर्ति भी होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना कर सहज की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए, जल्द ही आपको आपके पिता लेने आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं माँ दुर्गा के इस रूप को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके बाद देवी को पंचामृत, दूध, दही, शक्रा, घृत व मधु से स्नान कराएं और फूल, अक्षत यानी कि साबत चावल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें।
पूजा में लाल फूल का विशेष रूप से इस्तेमाल करें। इसके बाद कथा सुने और घी और कपूर से देवी की आरती उतारें। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। अंत में माँ को मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। हमारी अभी की इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार नई अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।